गुजरात के सूरत से साइबर क्राइम का मामला सामने आया, जहां मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने की धमकी देकर युवक से 5.5 लाख रुपए ऐंठने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने यूपी के कानपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल सूरत के रहने वाले युवक को फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसके बाद दोनों की चैटिंग शुरू हुई, फिर वो व्हाट्सएप पर बात करने लगी। इस बीच युवक को लड़की ने वीडियो कॉल किया, जिसमें वो न्यूड थी और युवक के साथ उस वीडियो को आरोपियों ने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का धंधा, यानी गंदा खेल। पीड़ित ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि लड़की के साथ न्यूड वीडियो यूट्यूब पर वायरल करने के नाम पर एक आदमी ने खुद को पुलिस वाला बताकर मैसेज और वीडियो कॉल किया। उसने कहा कि लड़की ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके बाद वीडियो यूट्यूब पर से डिलीट करने के लिए पैसे की डिमांड शुरू हुई। इसके बाद उस आदमी ने परेशान होकर सूरत साइबर क्राइम सेल से संपर्क किया और मामला दर्ज करवाया। आरोपियों ने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे मांगने शुरू किए। 5.5 लाख रुपए उससे ठग लिए। इसके बाद भी पीड़ित के पास फोन आने बंद नहीं हुए और आरोपी लगातार उससे रुपयों की डिमांड करते रहे। इससे परेशान होकर उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और जिन खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए थे उनकी जांच कर अपराधियों तक पहुंच गई। इस मामले में सूरत साइबर क्राइम सेल के SP युवराज सिंह गोयल ने बताया कि IPC 384, 170, 171, 507, 120B तथा IT एक्ट की धारा 66C, 66D, 67 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर बैंक अकाउंट होल्डर रोहित कुमार, राकेश कुमार बाल्मीकि तथा सनी कुमार अंतु मदारी बाल्मीकि को कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया।